कहा नहीं कि अर्चना ने अपने आई को पैसे दिए। दुख इस बात का है कि आपसे बिना पूछे हुए वो अपने आई के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है। नहीं रसिका ताई, सुलोचना ताई ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ। ताई ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी वगैरह कुछ नहीं, अभी मैं उसको बुला के पूछती हूँ। आप उन्हें बुलाइए और पूछ लीजिए, देखिए आप कैसे बहाने बनाए की। अर्चना। हाय। अरे वो जो कल वो मैनेजर आया था ना पैसे देने के लिए, वो पैसे कहाँ है? आई वो पैसे मैंने आई को दिए रखने के लिए। वो मुझे चाहिए, ला कर देना बेटा। ठीक है आई। हाँ वो पैसे मैंने तुझे दिए थे ना कल रखने के लिए, वो लेकर। हाँ मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, पैसे यही अगो भाई पैसे तो यही रखे थे, वो सच्चू के नोटबुक के साथ पता नहीं कहाँ गए। गिरे तो नहीं नीचे? आई यही होंगे। आई तो क्यों इतनी चिंता कर रही है, मैं ढूंढ लूंगी पैसे, तू आराम कर अंदर। अरे लेकिन अर्चना आई पैसे घर पर ही थे ना, कहाँ जाएंगे फिर? तो क्यों इतनी चिंता कर रही है, मैं ढूंढ लूंगी। ठीक आई वो आई ने पता नहीं पैसे कहाँ रख दिए और उसे याद भी नहीं आ रहे, मैं ढूंढ लूंगी और मैं मानव को दे दूँ। मानव को क्यों, वो पैसे मुझे चाहिए। ठीक है मैं आपको दे दूंगी, चल तू अंदर। लेकिन मैंने यही रखे थे। देखा थे मैंने आपसे कहा था ना, ये माँ बेटी सौ बहाने बनाएंगी लेकिन पैसे नहीं देंगी आपको। माँ और बेटी दोनों ने ना आपके पैसे हड़प कर लिए। तो मेरे नहीं मानव के गुनेगार, पूरी ऑफिस स्टाफ के सामने तुमने मानव की इंसल्ट की थी, इसलिए अब माफी भी तुम सबके सामने ही मांगोगी। मानव को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका मेरे सामने था और मैं बेवजह कहीं और अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। ये ले। आई ये क्या है? पैसे थोड़े से। बंधु वो अजीत को काम शुरू करना है ना, तो मैंने यहाँ वहाँ से जमा किए पैसे। मुझे पता है इससे काम तो नहीं होगा लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए ना। अंदर बड़बड़ करते बैठ। हाँ बैठो बैठो, आप बैठो, आपको बात कर थोड़ी। अच्छा आई तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू अब घर कब आ रही है? तुझे पता है मुन्नी तुझे कितना याद करती है, बोलती है आज ही कब घर आएगी, मेरे साथ कब खेलेगी। अरे मुन्नी को बोल शनिवार को उसको छुट्टी हुई है ना, तो मैं आ जाऊंगा खेलने के लिए। बंधु ठीक है। हाँ वहनी। नहीं नहीं वहनी, पता है ना कितना जुकाम हो रहा है, जूस नहीं चाहिए। दवा लेती है कि नहीं बेटा? हाँ हाँ आई लेती हूँ। अरे रुमाल। ये पैकेट। अरे वही नहीं, ये पैकेट वो क्या है ना कि अजीत नया काम शुरू कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ पैसे हैं इसमें। हाँ वर्षा बोलो। हाय जीजू कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम सुना? जीजू जब से सतीश यूएस गया है ना, मैं घर पे अकेली बहुत बोर हो जाती हूँ। जीजू अगर आपको एतराज ना हो तो कुछ दिन के लिए मैं आपके यहाँ पे आकर रह सकती हूँ। वर्षा इसमें पूछने की क्या बात है, अरे तुम्हारा घर है, जब चाहे आ जाओ। और सुनो तुम आओगी तो आई का दिल भी बहल जाएगा, वो बोर होती रहती है घर पे। अच्छा सुनो 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 एक मिनट, ये बात आई को मत बता, हम दोनों मिलकर सरप्राइज देंगे उनको, ठीक है? हाँ थैंक यू सो मच जीजू, ओके बाय।
आई, बहुत याद आती है ना पापा की, पता नहीं कहाँ होंगे। सरप्राइज वर्षु। अभी वर्षु, वर्षु आई। वर्षु हुआ कैसे? और तू किस सरप्राइज की बात कर रही है? और ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन अचानक? हाँ, वो सतीश कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया गया है, तो सोचा घर में अकेले बोर होने से अच्छा मैं यहाँ पर आऊँ तुम लोगों के साथ रहने के लिए। बहुत अच्छा किया। अरे अर्जुन, इसने कह दिया और तू मान गई? एक बार सविता था, इसे तो पूछ। आई, इसमें आई से पूछने वाली कौन सी बात है, वो थोड़ी ना मना करेंगी वर्षु को यहाँ रहने से। अरे तू बात को समझने की कोशिश कर, वो इस घर की मालकिन है, एक बार उनसे पूछना चाहिए ना। आई देख, वो बहुत बदल गई है, वो पुरानी आई की तरह नहीं रही। मुझे नहीं लगता आई इस बात से नाराज हो। अच्छा ठीक है, सविता ताई को मत पूछ, लेकिन मानव को फोन करके पूछ। मानव? अरे जीजू से तो मैंने खुद बात की, उन्होंने तो कहा मुझे आने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल बैठते हैं। हाँ।